के एक लेडी, इसका नाम है शरीफा बेगम है, 21 साल रहती है लेडी। और ये लेडी और एक महिले का इमरान नाम वाले, वो भी 21-22 साल रहता, दोनों 4 साल पहले से ही इन दोनों का लव अफेयर था। ये अफेयर से 2 साल पहले इन लोगों का बड़े लोग शादी करे थे। बाद में वो लेडी ने प्रेगनेंसी हुआ, बाद में डिलीवरी भी होने के टाइम पे इनका क्वारिंग में डिलीवरी भी हो गया, वो डेथ पे भी डिलीवरी करे थे। लास्ट 6 मंथ से ये शरीफा बेगम को कोई सस्पेक्ट कर रहे, इसका कैरेक्टर को सस्पेक्ट कर रहे हैं इमरान। ये कैरेक्टर सस्पिशियस में दोनों के बहुत लड़ाई होते थे, तो सस्पिशियस से वो इमरान ने सोचा था इसको कैसे तो भी एलिमिनेट करना बोल के, मार डालना बोल के सोच के घर भी बदल के एक सेलर में एक आइसोलेटेड प्लेस में 2 रूम का एक घर लिया था 2000 के महीने के किराए पे। वो भी 5 दिन पहले, एक हफ्ता, 5 दिन एक हफ्ता पहले ये घर लेने के बाद इसका प्लान से वो वाइफ को उसका बहन का घर में है तो फ़ोन करके लंच को आने के लिए बुलाए थे। वो शरीफा बेगम ने वो घर पहुंचने के बाद लंच खाने के बाद दोनों में झगड़ा शुरू करे थे, तो बाद में इनका प्लान के हिसाब से थ्रॉटलिंग करके इसको शरीफा बेगम को इमरान ने मार डाले थे। ये 5 दिन पहले वो भी घर में 5 दिन पहले शिफ्ट करके वो एक्शन को उन्हें करे थे। उसका मकसद क्यों बोलते, वो आइसोलेटेड प्लेस है, वो भी सेलर में है, कोई उधर जाने का पब्लिक का एक्सेस भी नहीं है वहाँ पर। अगर कोई अंदर भी पुकारना है तो, झगड़ा है तो भी बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा। अगर इससे पहले का घर है, पब्लिक प्लेस में है, अगर कुछ तो भी गड़बड़ है तो सब लोगों को मालूम होता था। ये सेलर के अंदर 2 ही रूम है, और 2 रूम में इनके किराए को लेके अगर कुछ ना कुछ अगर वहाँ पर हवा से आए तो भी बाहर लोगों को नहीं सुनने आते। वो प्लान से वो प्लेस लिया था उन्हें।